वेलकम फ्रेंड्स, आज एक टैबलेट के बारे में जानकारी देता हूँ। एंटीबायोटिक टैबलेट है गुड सेफ 200। तो इसी टैबलेट के डोज के यूज की साइड इफेक्ट की क्या सावधानी रखना है, ये टैबलेट जब भी लेना है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। गुड सेफ 200 टैबलेट की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है, ये लाइफ स्टार फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, उसके द्वारा बेची जाती है। तो पहले अगर इसकी कीमत की बात करें तो जो 10 टैबलेट की स्ट्रिप है वो 164 रुपीज की मिलेगी, मतलब एक टैबलेट आपको 16 रुपए के आसपास मिलेगी। अब ये जो गुड सेफ 200 टैबलेट है, अगर इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये एंटीबायोटिक होता है। इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया को मारने की दवा रहती है। तो अगर इसके अंदर आप देखेंगे, इसका जो साल्ट होता है वो होता है सिफोडॉक्सिन 200 मिलीग्राम। अब सिफोडॉक्सिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं मेडिकल भाषा में कि सिफेलोस्पोरिन है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करती है और बहुत ही पॉपुलर दवा है सिफोडॉक्सिन। तो ये जो टैबलेट है गुड सेफ, उसके अंदर सिफोडॉक्सिन होता है। कैसे काम करती है गुड सेफ टैबलेट, तो ये बैक्टीरिया को उसकी जो सेल वाल होती है ऊपर की कवरिंग है उसको नहीं बनने देती, इससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर ये असर कारक होती है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, कोई फंगस को, वायरस को, प्रोटोजोवा, इन सब के खिलाफ काम नहीं करती। तो ऐसा नहीं सारे तरह के इन्फेक्शन में काम आएगी, गुड सेफ सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी। इसके उपयोग की बात करें तो मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है, वो भी हल्के से लेके मॉडरेट किस्म के इन्फेक्शन। अब जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन है, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, तो दे सकते हैं। गला खराब है, फेरेंजाइटिस हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गई है, ये कुछ इन्फेक्शन है जिसमें दिया जा सकता है। और इसके अलावा कान के अंदर इन्फेक्शन है, नाक के अंदर इन्फेक्शन है, आंख के अंदर इन्फेक्शन है, स्किन में फोड़े फुंसी हो गए हैं, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, इसके अलावा पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, महिलाओं के अंदर जो सेक्स आर्गन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या किसी को चोट लग जाए, चोट लगने के बाद घाव में इन्फेक्शन ना होने पाए, टांके लगे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना होने पाए, तब ये टैबलेट दिया जा सकता है। या खून की जांच कराई, CBC अकाउंट बढ़ा है, CRP बढ़ा है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के साइन मिल रहे हैं, तब दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें ये गुड सेफ 200 टैबलेट दी जा सकती है। अब ये टैबलेट की अगर डोज की बात करें तो जो वयस्क होते हैं उसमें ये 200 मिलीग्राम सुबह और शाम दी जाती है। इसके अलावा ये 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम के भी टैबलेट में आती है, जो कि बच्चों में दिया जा सकता है। जिसकी डोजिंग रहती है 7 से 14 दिन रहती है, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो गुड सेफ काफी सेफ एंटीबायोटिक है, ज्यादातर लोगों को साइड इफेक्ट नहीं आता, जिनको आता भी है तो बहुत हल्के साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है कि जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द होना, इनडाइजेशन होना, पेट भारी रहना, कुछ लोगों को दस्त लग सकती है, जी मचला सकता है, इस तरह के समस्या होती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, स्किन में रैश आ सकते हैं, खुजली पड़ सकती है, मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं। पर दो तीन इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जिसमें ध्यान रखना है कि एक तो झटके, सीजर आना, WBC का नंबर कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, और किडनी के अंदर नेफ्राइटिस कराती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। हालांकि ज्यादातर लोगों को 5 से 7 दिन टेबलेट खाने में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आते, जो आते भी हैं हल्के फुल्के रहते हैं। किन में ये गुड सेफ टैबलेट नहीं लिखी जाती, तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी हो जाए, दवा खाई एलर्जिक रिएक्शन हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोग जिनमें किडनी ज्यादा डैमेज है, GFR काफी कम है, या झटके आ रहे हैं, या तो सीवियर डायरिया हो रहा है, तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसमें ये गुड सेफ टैबलेट नहीं चलती है। तो ये गुड सेफ जो एंटीबायोटिक है कैसे काम करती है, किन बीमारियों में दी जाती है, कितना खाना है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अगर कोई गुड सेफ एंटीबायोटिक के बारे में जानना चाह रहा होगा तो उनको ये जानकारी मिल गई होगी। एक चीज जरूर आप ध्यान दें कि ये जो टैबलेट है, ये एंटीबायोटिक है, तो अपने मन से ना बंद करें, जितने दिन लिखी गई है उतने दिन जरूर खाएं, कम से कम 5 दिन 7 दिन। अगर 1-2 दिन आप खाएंगे हो सकता है आपको जो लक्षण है वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर आगे चल के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और दूसरा ये कि ये हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन इससे ना ठीक हो
उसके लिए फिर हायर एंटीबायोटिक या इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दी जा सकती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इससे डायरिया वगैरह होता है, दस्त वगैरह कुछ लोगों को सकता है, तो आप एंटीबायोटिक चेंज करा सकते हैं और खाना खाने के बाद ही ये दवा खाएं, नहीं तो पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस, गैस बनना, इनडाइजेशन होना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। एंटीबायोटिक है तो डोज का भी प्रॉपर ध्यान रखें और टाइमिंग का भी। तो ये गुड सेफ जो एंटीबायोटिक टेबलेट है उसके बारे में जानकारी हो गई। थैंक यू।